रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में सोमवार को एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा और समन्वय बैठक की गई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर गहनतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की स्थिति में सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल आश्रय गृहों में आवासीय बच्चों की सुरक्षा, देखरेख, पोषण और स्वच्छता के संबंध में बाल संरक्षण संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रबंधन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, मैसेज देखिए आप, उन्होंने मैसेज करके बराबर गिरा, फोन नंबर गलत आता है उसमें, उसको सही कर लीजिए। उनका फर्स्ट फोन पर ये उनका मैसेज परसों आया हुआ, ऐसे ही सुधार कर लीजिए। इसमें सर एक सुझाव है कि जो एजेंडा प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे लगभग 10 तारीख सभी लोग, अगर जिसको भी कोई एजेंडा प्रस्तुत कराना हो तो कृपया सर को या मुझे जो है व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप पर डाल दें, वो एजेंडा सबमिट कर लिया जाए, क्योंकि सबके सहयोग से जब एजेंडा बनेगा तो उस पर व्यापक चर्चा भी हो पाएगी और एक जो है सार्थक कर सकते हैं। ऐसा है कि आई से इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, उसके बाद सॉलिडरिटी पूरा प्रयास करते हैं। और क्या होता है, मनी साहब भी बराबर को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे जैसे भी सूचित करते हैं सर, अगर यू साहब मिल जाए तो मुझे अच्छा लगता। पहली बार कोविड में ये चर्चा हम लोगों ने किया था तो आपने भी काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट सामने लिए थे, तो हम चाहते हैं सभी अपना योगदान करें उसमें, ठीक ना। अब देखिए मैडम है, अगर उनको आपको लगता है कि लेबर से संबंधित कोई इशू है जो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहें सबको, तो आप ही अपना सुझाव दीजिए कौन सा कंडीशन। अब एक आश्वासन तो मिला है, इसको संकीर्ण तरीके से कभी पुस्तक के रूप में सामने आएगी। अभी आश्वासन देखिए एजेंडा तो कर आज ये जो बैठक है एसटीओ और एसजेपीयू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट उसकी मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक है। इसमें बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी इकाइयाँ हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स, रेलवे विभाग होता है, जीआरपी, आरपीएफ, हमारे श्रम विभाग होते हैं, हमारे बीएससी और जो शिक्षा विभाग हैं, बीएससी हैं, जो सीएमओ साहब हैं उनका जो इकाई है, ये डीपीओ साहब हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जितने शरणालय यहाँ पर हैं जहाँ बच्चों की सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो सभी स्टेक होल्डर्स को खासतौर से जो मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं तो उनको आहूत करके माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय आयोग, बाल संरक्षण से संबंधित जो भी दिशा निर्देश समय समय प्राप्त होते रहते हैं उसके संबंध में हम लोग आपस में चर्चा करके उसको सच्चे मन से, सच्चे निष्ठा से बच्चों की सुरक्षा के संबंध में इस कोविड-19 की महामारी के दौरान चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। बाल सुरक्षा हमें हमेशा एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है और कोविड-19 ने उस मुद्दे को और भी चुनौतीपूर्ण और भी हो गया है, तो इसी संबंध में मीटिंग है। इस मीटिंग में आए हुए लोगों से भी इसको और बेहतर बनाने के लिए उनसे राय ली जाती है। हम लोग चर्चा करते हैं सभी स्टेक होल्डर्स किसके पास क्या, आपसी चर्चा से सभी बातें सामने आती हैं। एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम ही है मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक। हाँ, आपस में हम लोग समन्वय बनाते हैं, समीक्षा करते हैं, पिछली बार क्या क्या मुद्दे उठे थे, इस बार उसको कहाँ तक हम लोग पूरा कर पाए हैं, आगे चुनौतियाँ क्या हैं, हर बार एक एजेंडा हम लोग लेकर बैठते हैं। एजेंडा आप भी एजेंडा ले लीजिए और हर बार ये जो भी बातें होती हैं उसे एक कार्यविधि जारी करते हैं, तो निश्चित तौर पे इन सब बैठकों से बाल सुरक्षा का जो एक महान उद्देश्य है, नेक उद्देश्य है, उसकी पूर्ति करने में उसके तरफ अग्रसित हम लोग हमेशा अग्रसित होते रहते हैं। और निश्चित तौर पे
गोरखपुर में बाल सुरक्षा के संबंध में लोग संवेदनशील हो भी रहे हैं और सबका योगदान सामने भी आ रहा है। कोविड 19 समय एक बाल सुरक्षा खासतौर से जो रेलवे स्टेशन वगैरह पर बच्चे दिखाई पड़ते थे, वो बच्चे कहाँ इसमें हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जिनको जिनके कुछ बच्चों को स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है, कुछ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, अनाथ हैं या सड़कों पर या यूँ कह लिए एक प्रकार से आवारा ही घूम रहे हैं, तो उन सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके आगे जीवन में कुछ बन सकें, यही हम लोगों की कोशिश रहती है।